देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बिष्ट, आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर खटीमा से, निर्माण अनियमितताओं पर कांग्रेस का हल्ला बोल। आपको बताते चलें, सीमांत खटीमा के अमाऊ क्षेत्र में करोड़ों की लागत से चल रहे सौंदर्यीकरण में ठेकेदार द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी और ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है तथा निर्माण में घटिया सामग्री और मानक के विपरीत कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है। गौरतलब है कि अमाऊ क्षेत्र से खटीमा के मुख्य चौराहे तक लगभग 1 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से कार्य को रुकवा कर जांच की मांग की है। इस संदर्भ में तहसीलदार खटीमा यूसुफ अली ने बताया कि फिलहाल कार्य को रुकवा दिया गया है, जांच के बाद ही सही तरीके से कार्य करवाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस महामंत्री भुवन कापड़ी ने बताया कि खटीमा में जो भी काम हो रहा है उसमें लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संदर्भ में पूर्व में भी एसडीएम और डीएम से शिकायत की गई है, लेकिन फिर भी प्रभावशाली लोगों से सह पर ठेकेदार द्वारा लगातार अनियमितताएं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अगर सही तरीके से मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो हम लोग स्वयं काम रुकवाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं ठेकेदार के मुंशी ने बताया कि अव्वल की जगह दोयम पीली ईंट आ गई है, ईंट गलत आ गई है, सही ईंट मंगवा कर काम करवाएंगे। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। फिलहाल जो काम रुकवा दिया गया है, जो काम किया जा रहा है उसके लिए जो है इनके एई और जो जेई होंगे उनको जो है बुलवाया गया। फिलहाल काम रोक दिया गया है। जी हाँ, काम जब सही होगा तभी स्टार्ट होगा। जी हाँ, देखिए खटीमा में जो भी काम हो रहा है वहाँ सब अनियमितताएं अनियमितताएं हैं। यहाँ टनकपुर रोड पर हम खड़े हुए हैं, बीच जो है कि ये NH है और यहाँ पे एक काम चल रहा है और उसमें सारी पीली और दोयम ईंटें लगाई जा रही हैं, जिनको अगर हम हाथ में भी पकड़ रहे हैं तो टूट जा रही है। इसके लिए हम पहले भी जो है कि उपजिलाधिकारी के माध्यम से DM को जो है शिकायत कर चुके हैं कांग्रेस के लोग, और उसकी जाँच भी हुई है और फिर दोबारा मतलब ठेकेदार के मन में कोई प्रश्न नहीं, मुझे लगता है कि लगा ही नहीं कि जांच हुई या अधिकारियों ने कुछ कहा, दोबारा पीली ईंटें लगा रहे हैं। तो हमने अभी इसके लिए उपजिलाधिकारी को भी फोन किया है और यहाँ के सारे मीडिया को कहा है, और इनके जो अधिकारी हैं एक्शन गुप्ता उनसे भी मैंने बात करी है। पहले भी मैं उनको कह चुका हूँ कि यहाँ बहुत जो है सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और बंदरबांट हो रही है। कह रहे हैं जहाँ भी हैं शिकायत कर रहे हैं तो अधिकारी जो है कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जब सैया हुए कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो खटीमा के क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके मुझे लगता है कि उनके आंखों के नीचे या सहमति से मौन सहमति से जब ये सब कुछ हो रहा है, हम विरोध करने के लिए आए हैं। उपजिलाधिकारी को हमने शिकायत करी नहीं, अगर ये अनियमितता नहीं रुकती तो आगे कांग्रेस का कैसे अगर नहीं होगा, नहीं रुकेंगे तो हम खुद आकर इस काम को रुकवाएंगे, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, हम धरने में बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये काम चल रहा है, आप क्या क्या है यहाँ पर? काम देख रहे हैं। काम देख रहे हैं, ठेकेदार के आदमी है। यहाँ पर ईंटें कौन सी लगनी थी? ईंट अब्बल मंगाई थी, मना कर दे दी। ये ईंटें कौन सी आई देख रहे हो आप, कौन सी है? तो ये दोयम तो आपके नीचे ना? हाँ, तो अभी तो मना करते हैं, शाम ही मना कर गया मैं। तो बात तो सुनो इधर, ये तो नीचे लग रही है ईटे आपकी, ईटे तो लग रही है नीचे, ईटे नीचे लग रही है आप इधर देखो, आगे देखो, ईटे तो लग रही है नीचे नाली पे, जो खड़वा तो लग गई, चलो खड़वा तो गलत ईटे लग रही है ना, मानते हो? हाँ तो उखड़वाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो उतराई की है, उतराई क्यों जब आपने गलत, जब ऐसी कहोगे वैसी ईंट लगेगी, कोई ऐसी। ठेकेदार का नाम क्या है? सुनील चावड़ा। क्या नाम है? सुनील चावड़ा। कहाँ के हैं? उधर के, नोएडा के। ईंटें गलत लगी है ये? हाँ गलत लगी है, जब ही तो रुकवा रहे हैं ये। तुम तो नहीं रुकवा रहे हो, जब हम लोग आए तब रुकवा रहे हो। मैं बाहर था, मैं अभी आया हूँ शिकार करने। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।